जॉब लगा है वो प्रूव होगा जो सच है वो बाहर आएगा जो जो लोगों ने गलत किया है दे ऑल विल रिपेंड फॉर वट दे डिड एंड आई विल नॉट स्पेयर एनी वन आई दिस इज करण मेहरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सिद्धार्थ कनन्ज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नाउ

इस वक्त मेंटल स्टेट वेल जून से लेके अब तक ऑलमोस्ट कितने पंद्रह सोलह महीने हो चुके हैं दैट टाइम वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी बिकॉज आई हार्डली न्यू कि क्या हो रहा है मेरे साथ और इट जस्ट सो हैपन एवरी थिंग जस्ट है फॉर मी इट वॉज शॉकिंग द वे थिंग वींग लाइंड अप एक दो महीने उसी में ही चले नो आई वॉज वेरी काइंड ऑफ लेट डाउन विद कि क्या क्या केसेज आप पे चल रहे हैं क्या है I actually didn't have time to address to my own problems because, uh, you know, to sit down address your trauma वो time भी नहीं था। Because एक बाद एक things were all ready for me, for my parents, for my brother. फिर हम उसमें लग गए कि भाई उसके जवाब बनाने हैं and these were very, uh, uh, you know, the IPCs जो लगाई गई थी, they were very uh, difficult to kind of counter also because you know सीधा jail हो जाती है उनमें। So I won't get into a lot of intricacies for that but then I was just replying to that we got I got my parents and brother out first then I got myself out uh, then I started so of course the first initial months were all defense because you're just trying to figure out how to defend yourself um, and a lot of things attached to it you've been dignified you everybody knows you know me how I am as a person the parchment तो एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट यू विद वेरी क्वेश्चनेबल आईज़ कि मतलब ये ये कहा गया है तो फिर ये होगा एवरीबडी प्रज्यूम सोशल मीडिया ऑफ़ कोर्स इज़ वेरी क्विक नाउ डेज एक चीज़ हुई नहीं अगले दिन सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाता है सो टू हैव दैट वेव चेंज स्लोली स्टेडली टुडे इन योर फेवर पीपल सपोर्टिंग नोइंग द ट्रूथ

एंड फाइटिंग इट सो वट एवर हैज़ बिन डन धीरे धीरे हम उसका फ़ाइट भी कर रहे हैं एक एक चीज़ को पकड़ के कर रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ख़त्म होगी है तो आज भी कुछ नई चीज़ें हर दिन लगती रहती हैं सो आई एम फाइटिंग इट आई एम इन मच बेटर स्पेस बट ऑफकोर्स एक चीज़ जो है वो खटकती रहती है जो बाद में होगी सो वेन एवर दैट है आई एम जस्ट होपिंग फॉर देट टू हैपन जब भी हो सून बट आई एम कीपिंग स्ट्रॉन्ग टिल देन सो भाई ये एक रोलो कोस्टर राइड रहा है ठीक है तुमने एक कॉमेंट अभी कहा था कि लोग जो तुम्हें गुड बॉय समझते थे बिकॉज ऑफ योर रोल और जैसे तुम रहे yeah, हो रियल लाइफ में भी राइट तुम्हारे बारे में ये है कि अच्छा इंसान है सॉफ्ट स्पोकन है पर सडनली वो परसेप्शन क्या वाकई में चेंज हुआ जब ये केसेस और ये कॉन्वर्जेशन तुम्हारे बारे में होने लगी निशा के बारे में उसके फ्रेंड्स के, के साथ या yeah, बिकॉज एक क्या था अफकोर्स द एलिगेशंस जब आपके खिलाफ किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एंड देन दीपल सपोर्टिंग यू टेकिंग लाइक हर साइड एंड सेग थिंग्स अगेंस्ट यू अबाउट योर कैरेक्टर कि नहीं नहीं दिस इज़ हाउ वी नो हाउ ही इज़ वटैवर वोट वोट एवर द क्लेम्स दैट वो मेड वजार बिकॉज उसका कोई बेसिस ही नहीं है ऐसा नहीं कि दे दिन नो मी अफकोर्स दे न्यू मी दे व माई फ्रेंड्स ऑल्सो दे क्लेम टू बी माई फ्रेंड्स ऑल्सो सो so, um, और ऐसा भी नहीं कि आप एक दो साल से जानते हो आप दस दस बारह बारह तेरह तेरह साल से जानते हो आप उसको हाउ ही इज एज अ पर्सन हाउ ही यूश टू हैंडल थिंग्स वॉट ही यूश टू डू क्या नहीं किया क्या क्या किया सब कुछ पता है बट देन ऑफकोर्स दूस टू डू वट हैड टू अब एंड उसमें क्या हो जाता है जब उस टाइम उस घर में भी तीन लोग थे जब ये सब कुछ हुआ और कहा गया आई वॉज अ लोन सोनेचल इट्स वन अगेंस्ट थ्री दे आर क्लेमिंग टू डू समिंग आई एम सीइंग भैया मैं तो कोविड से उठने वाला आदमी ना स्ट्रेंथ है ना कुछ है आई तो डेंट इवेंट टच बट क्या हो क्या रहें एंड देन दे आर एडिंग यू नो टू पीपल मोर स्टैंडिंग इन दूस एंड क्लेमिंग दैट दिस इज तो नेचुर इट इज सो मच ऑफ यू नो चार पाँच लोग अगर खड़े हो के ये सब बोलने लग जाए आपके अगेंस्ट आप क्या काउंटर करोगे और क्या बोलोगे अफसोस हुआ होगा राइट right, की उनमें से एक दो या तीन लोग तुम्हारे दोस्त थे <laughs> तुम लोग हैंगआउट करते थे मेरी बातचीत हुई थी रोहित के साथ भी mm. उन्होंने मुझे बोला कि करण मुझे बेटा मानता है बेटी 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 मतलब दैट्स व्हाट या, या, बेटी, या, बेटी या मानती है या. आ, बट डिड इट हर्ट यू कि तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे बहुत करीब थे yeah. वो तुम्हारे उस तरफ माने तुम्हारे विरोध करने लगे इसी पीपल से लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइव्स मैं कभी भी इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं एवरीबडी हैज़ ए परसेप्शन मैंने बड़ा क्लीन काम किया है क्लीन रिलेशंस रखे हैं एंड आई डोंट गेट इन टू पर्सनल स्पेसिज विद पीपल ऑल्सो मच पीपल हु क्लेम टू बी योर फ्रेंड्स और वट एवर हर कोई अपना एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है करता है दे वुड बी हार्डली एनी पार्टीज़ यहाँ पे इन लोगों ने मेरे साथ चिपक चिपक, चिपक के फ़ोटोएं ना खिंचाई हूँ जहाँ क्लेम ना किया हो कि भैया ये मेरे लिए ये है ये मेरे लिए वो है और आज अब जाके ये सब चीज़ें कर देते हो आई ऑल्सो डेंट सी दीज थिंग्स इवन फॉर द टिल द टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द डेफामेशन दैन बिकॉज

कुछ हुआ है दे ऑल रिएक्टेड एज इफ कुछ हुआ नहीं है मतलब ये उनकी अच्छाई थी बट येस yes, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ दे नो मी इन एंड आउट एवरी डे बट पीपल हु डोंट नो मी दे आर मेकिंग एलिगेशन मेरे पास आज भी मैसेजेस हैं लोगों के चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों लड़कियों ने मोटी मोटी गालियाँ दी हैं एंड नाउ आफ्टर माई इंटरव्यूज और बिफोर यू नो दर्टन पॉइंट्स वेयर दोज पीपल हैव सेड दैट वी आर सॉरी जैसे uh, रोहित थे <laughs> और एक और आपकी दोस्त शायद उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था एक और प्लेटफॉर्म पे हाँ, वो लोग अब आके बोल रहे हैं कि यार मे बी करण वॉज राइट नॉट मे बी देर विथ यू ऑन योर साइड देखो इट्स लाइक एक किसी का खून करने को गया उसमें तीन चार लोग और साथ में चले गए खून करने के लिए खून हो गए अब उसके बाद अगर आप बोलो अरे हमसे गलती हो गई भैया वो तो हो गया ना यू कैन कीप रिपेंटिंग यू कैन शो दैट यू आर रिपेंटिंग बट यू आर डूइंग वट एवर यू हैव टू डू ऐसा नहीं हुआ ना कि एक इंटरव्यू दिया भैया उसके बाद अलग से बैठ के प्रॉपर इंटरव्यू दिए गए हैं मेरे घर में बैठ के मेरे ही कमरे में बैठ के मेरे खिलाफ़ ही इंटरव्यू कोई क्लेम कर रहा है कितना कुछ एंड डू थिंक दैट इज़ राइट एंड वॉट आर यू क्लेमिंग जस्ट सो दैट दे आर अट्रैक्शन टू योर पेज बिजनेस अदरवाइज देखो जब कोई गलत करता है ना तो हो सकता है उनका पल्ला भारी हो उस टाइम पे यू नो देर टू थ्री पीपल सोचा होगा करण जैसा आदमी क्या लड़ेगा दैट इज अ परसेप्शन ना शरीफ आदमी है ना लड़ने का कभी लड़ाई नहीं है किसी से चुपचाप आता है अपना काम करता है डिग्निफाइड गाय मिडिल क्लास फैमिली नथिंग लाइक दैट नो or क्लेमिंग also. आई हैव वर्कड विद सो मैनी पीपल गाइज गर्ल्स लेडीज मैन यूनिट्स एवरीबडी जो मुझे पर्सनली जानता है वो जानता है जो नहीं जानते हैं वो परसेप्शन फिर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये नई चीज़ आ गई है बट धीरे धीरे वो परसेप्शन तोड़नी भी बहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी सिद्धार्थ दैट आई हैव टू क्लियर दिस जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्म में दिखाते हैं ये तो पूरा पिक्चर बन गई मेरी यार कि मतलब आपके ऊपर कलंग लगा दिया गया आपको फिजिकली असोल्ट आपको मतलब फाइनेशली फिजिकली मेंटली सब प्रेशर डालने की कोशिश की गई बट यू चोज टू फाइट एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग आई एम फाइटिंग अलोन आई स्टैंड अलोन लोन टूडे एंड आई फाइट अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स एंड आई विल फाइट बिकॉज इट इज़ फॉर माई पेरेंट्स दैट आई हैव टू फाइट इट्स फॉर माई ब्रदर आई हैव टू फाइट फॉर माई सन आई हैव टू फाइट एंड वॉट काइंड ऑफ फादर और और ब्रदर भी अगर मैं किसी के लिए लड़ ही नहीं सकता एंड आई कॉम्प्रोमाइज बिकॉज़ ये सब प्रेशर आप पे डाला जा रहा है बिकॉज़ ये दिस इज़ द वे थिंग्स हैपन बट निशा जो है उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया mm -hmm. जो आपके बर्थडे के शायद एक दिन बाद था राइट right? और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आप आलमनी उनसे मांग रहे हैं mm -hmm. टू टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर सन और कस्टडी आपको फुल मिलनी चाहिए आपके बेटे की कस्टडी तो आई थिंक जेनुनली मिलनी ही चाहिए बिकॉज जो चीज़ मैंने कही है आई थिंक उससे साफ हो जाता है दैट द इनवायरमेंट इज़ नॉट ओके फॉर अ चाइल्ड टू सी ऑल दिस वॉट इज हैपनिंग रोहित वॉज हेयर रोहित वर्मा वॉज हेयर टू टॉक अबाउट वट एवर ही डेड सीधा सीधा बोला नहीं बट जो भी था बोल दिया उन्होंने भी एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एंड वट एवर शी इज़ डूइंग नाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस और वट एवर आई थिंक शी क्लेम दैट एमिकेबली हमें करना चाहिए आई एव नॉट सीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस टू वेरी ऑनेस्ट सिर्फ uh, कुछ कुछ पढ़ पाया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो शूटिंग इन स्टफ सो शी इज क्लेमिंग दैट एमिकेबली कर लो और नए केसेस आप में करती जा रही है यू गैट एट सो एंड ये तो मैंने पहले ही बताया वो करते हैं यहाँ पर कुछ है वो था कुछ और है देन बर्थडे के बाद कर रहे हो आप मतलब बर्थडे डे टेंथ को था आप ट्वेल्थ को कर रहे हो आई डोंट थिंक आई नीड टू सेनी थिंग मोर एंड देन शी से अरे मेरा जो भी पर्सनल लाइफ है या जो भी है वट एवर एंड इससे केस से रिलेटेड नहीं है या क्या कर रही हूँ क्या मैं तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं जितने थे क्या थे क्या हो रहे हैं इट्स अबाउट नी सेंग दस्परेसी हैपन्ड ऑलरेडी बिटवीन टू पीपल टू डू दिस टू मी एंड अदरवाइज वी आर गेटिंग टू दैट दैट फैक्ट इज आउट दैट इज़ द थिंग बाकी जो भी अभी क्लेम करना है क्या है काविश को तो भाई निकालना ही है इट्स माई सोल ड्यूटी ऑफ वॉट ही इज़ गोइंग through and seeing. और बहुत क्लेम्स हैं कि ये है वो है ये करना चाहती हूँ ये है पहले ऑल्सो शी सेट अब मैंने थोड़ा ना रोका है उसको मिलने के लिए भाई आप कह रहे हो कोर्ट में लगाया हुआ है आपने कि इसने करण ने अपने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है कैन यू इमेजिन कैन यू इमेजिन यू हैव टू डॉटर्स वी एव गॉन आई बिलीव हम कहाँ एक बार बच्चों के साथ गए थे कारण बोरा के उसमें था बोरा के बर्थडे द किड्स बर्थडे पार्टी आई रिमेंबर एंड सो योर एंजल्स वावेश वॉज एंड प्लेइंग यू वै वज विद काविश एंड आई वॉज रोमिंग अराउंड एंड हम लोग बार बार मिल भी रहे थे सो सी वी नो

फॉर फिफ्टीन सिक्सटीन मंथ्स तो शायद एटलीस्ट एक वो तसली होती है ना आप थे ऐसा नहीं था बिकॉज यू आर वर्क इज़ सच यू कॉन्ट यू नीड टू बी आउट ऑन द कॉल ऑल द टाइम बट आई कॉन्शियसली मेड दैट एफर्ट मे बी इट वॉज रिटर्न आई वॉज सपोज टू डू दैट फॉर हिम सो आई कैन क्लेम कि हाँ भैया सब ने देखा करते हुए माई नैनीज हैव सीन इट माई वर्कर्स हैव सीन इट फ्रेंड्स हैव सीन इट एवरीबडी आई नो है मैं मतलब सब ने देखा है हाउ करन इज विद का विश हाउ करन इज विद हर हाउ करन हैज ट्रीटेड हर मदर फोर्टीन ईयर्स स्टेइंग इन द हाउस विद अस मतलब आई थिंक दैट सी इज इट ऑल इन टूडेज वर्ल्ड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन थिंगज ये मुझे बताओ कि ये जो सुनने में mm -hmm. okay, है दिस एलिमनी पार्ट मुके आई अंडरस्टैंड की यू वॉन्ट कस्टडी ऑफ का विश ठीक है

I, I missed his two birthdays, 14th of June. Uh, I've had two birthdays without him, so usually it was all about us cutting cakes together and having together. So that's not happened. Uh, I saw him for five minutes. come to home because said I, I came out with nothing, you know. Um, I didn't have clothes, I didn't have anything, I didn't have my gadgets, I didn't have my laptop, I didn't have my papers, I didn't have my cars, I didn't have anything. एंड आई वॉज फाइटिंग विद जस्ट फोर पेयर ऑफ टी शर्ट्स एंड कोविड क्लोथ्स दैट वॉर गिवन इन द बैग टू मी सो ना उसको देखा तो मैं फिर वापस गया था घर कि कुछ चीज़ें मैं ले सकूँ एंड आई थिंक राइट बिफोर दिवाली वन डे बिफोर दिवाली इट टू हैपन इन नवंबर सो आई जस्ट सो हिम फोर लाइक फाइव मिनट्स देट वॉज द ओनली इंटरेक्शन आई हैड विद हिम एंड आफ्टर दैट आई आई हैव नॉट सीन हिम बिकॉज कभी कोर्ट ऑर्डर्स थे टू नॉट सी हिम आई कॉन्ट सी हिम बिकॉज आई थर्टन टू किल हिम अलॉट ऑफ अदर थिंग्स असाइड सोजोट ऑर्डर्स अभी जून जुलाई में ही हुआ है ये ऑर्डर हट गए हैं अब सो बट यू नो हाउ दिचुएशन इज सो ऑफकोर्स तो ऐसी चीज़ें वो रिस्ट्रिक्टिंग मी टू गोवा जब इतनी सारी चीज़ें कि कल को कुछ और कोई कुछ नया चीज लेके बैठा हो कर रहा हो आई कॉन्ट द बैटल फिनिश आई एम ऑलरेडी बैटलिंग नॉट क्रिएट न्यू थिंग्स क्या तुम्हारे अंदर ये डर है फ्रॉम वन फादर टू दैट ये जो पंद्रह महीने आप काश काविश से नहीं मिले हो mm -hmm. कि शायद बेटे का कोई गलत इंप्रेशन हो तुम्हारे बारे में डू दीज टू यू

को मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया अपना सो इवन वेन आई मेट हिम इन नवेंबर आई टोल्ड हिम ऑल्सो वेरी ब्रीफली आई जस्ट क्विकली टोल्ड कम फॉर यू बिकॉज आई नीड टू डू दिसजिकली आई नीड टू शॉर्ट आउट दीज थिंग्स फर्स्ट एंड नॉट लेट गो ऑफ दिस जस्ट बिकॉज नाउ यू डिसाइडेड टू डू थिंग्स डिफरेंटली जो अब लगा है वो प्रूव होगा जो सच है वो बाहर आएगा जो जो लोगों ने गलत किया है दे ऑल विल रिपेंट फॉर वॉट दे डिड एंड आई विल नॉट स्पेयर एनी वन बिकॉज आई एम स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ दे विल हैव टू पे फॉर द टाइम दैट एम अवे फ्रॉम माई सन दे विल हैव टू पे फॉर वॉट ऑल आई वेंट थ्रू दे विल हैव टू पे फॉर वॉट माई पेरेंट्स वेंट थ्रू दे विल हैव टू पे फॉर व्ट माई ब्रदर वेंट थ्रू हर चीज़ का हिसाब होगा ऊपर वाले के लिए नहीं छोड़ रहा मैं वो अपना आके हिसाब करेगा अगर वो सामने भी आ जाए तो आई कैन आई कैन लुक इन टू दी आईज ऑफ गॉड टू डे इन से यू नो वोट ऑल हैपेंड नाउ यू डू और दईल टेक केयर ऑफ इट आई कंट ये वो कोई फिल्म नहीं चल रही ना यहाँ एक चलो जो भी था आदमी था उसके साथ गलत हुआ हो गया बच्चा बड़ा होकर उसके लिए लड़े वो आई कॉन्ट वेट फॉर दैट आई नीड टू डू एवरीथिंग नाउ इट्स अबाउट माई करियर ऑल्सो इट्स अबाउट माई स्टैचर ऑल्सो एवरीथिंग इज गॉट अफेक्टेड राइट सब लोग पहले जो आपको ऐसे से कहते थे सडनली देर वॉज अ वेव ऑफ यार अरे यही है यही है ना वो यू अंडरस्टैंड यू बीइंग पॉइंटेड आउट फॉर समथिंग एल्स यू नॉट बी पॉइंटिंग आउट फॉर हु यू वर